फायदा हम लोग पहले पंचायत में था जी। पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है, जितना भी हम लोग का मुखिया रहा, वार्षद रहा, खाली काम के नाम पर वोट लिए और अपना सब काम देखे, अपना सिर्फ बढ़ाया, अपना मकान बनाया या बिजनेस अपना जो भी किया आगे। लेकिन हम लोग कोई पंचायत तक नली तक भी नहीं बना अभी तक, न लाइट लगाए गांव में, बहुत वादे किए गए थे चुनाव के समय। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे शेरघाटी नगर परिषद के गोपालपुर गांव में पहुंचा हूं। अब ये गांव नहीं बल्कि शहर हो चुका है। वैसे पहले से भी NH2 के किनारे होने के कारण ये यहाँ पे शहरी माहौल था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ था। अब जब ये नगर परिषद में गया है तो इसका इस पूरे गोपालपुर पंचायत से 3 वार्ड निकाले गए हैं, जिसमें 10 नंबर वार्ड में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर हमारे पीछे आप देखें अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय है गोपालपुर का, तो कोई भी, और ये पीछे हमारे ये जो बाईं तरफ आप शिव मंदिर देख सकते हैं, तो किसी भी क्षेत्र की पहचान जो है वो स्कूल से, मंदिर से, इस तरह की चीज़ें जो सामाजिक चीज़ें हैं उनसे उसकी पहचान होती है। और यहीं पर लोग कहीं ना कहीं विचार विमर्श करते हैं, विकास को लेकर बातें करते हैं, समस्याओं को लेकर उधेड़ बुन रहता है उनके अंदर। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे गोपालपुर में मैं आया हूँ, यहाँ हैं, कुछ लोगों से मैं बात करूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो गोपालपुर नगर परिषद बना है तो इससे क्या आपको लगता है, कितना लाभ मिलेगा आगे, इसका शहरीकरण होगा, क्या हो पाएगा? अब देखिए सर, अब तो अब फर्स्ट बार हो ही रहा है, अब क्या होगा सर, हम लोग कैसे बताएं सर। अच्छा, होना तो चाहिए, नगर निगम आया तो कोई विकास होना चाहिए। अच्छा जी, पहले क्या समस्या थी यहाँ पर? अब पहले पंचायती राज था तो उसमें विकास नहीं हुआ। अच्छा जी, हम नगर परिषद में आए तो भाई हम लोग भी जी। चलिए, कुछ युवक लोग हैं गोपालपुर जो नगर परिषद में शामिल हुआ है, क्या होगा इसका फ़ायदा? होगा फ़ायदा, हम लोग पहले पंचायत में था जी, पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है, जितना भी हम लोग का मुखिया रहा, वार्षद रहा, खाली काम के नाम पर वोट लिए और अपना सब काम देखे, अपना सिर्फ बढ़ाया, अपना मकान बनाया या बिजनेस अपना जो भी किया आगे। लेकिन हम लोग कोई पंचायत तक नली तक भी नहीं बना अभी तक, न लाइट लगाए गांव में, बहुत वादे किए गए थे चुनाव के समय, और अब आ गया नगर निगम में। लेकिन हम लोग को उम्मीद अब जगी है कि अब गांव में विकास होगा। हम लोग का युवा वार्ड पार्षद भी चाहिए और शिक्षित पढ़ा लिखा चाहिए, और चेयरमैन का जो चुनाव है वो अभी हम लोग को तो देखे नहीं है कौन चेयरमैन बने, केवल हम नामे नहीं जाने हैं। अभी तो चेयरमैन अब सीधे जनता चुनेगी। हाँ, तो पहले क्या था कि वार्ड पार्षद अगर उस क्षेत्र के नहीं हैं तो चेयरमैन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अब तो वो हर जगह जाएंगे वोट मांगने के लिए, आपके यहाँ भी आएंगे, तो अब उनकी जिम्मेदारी, अब डायरेक्ट जनता वोट करेगी ना। पहले था कि जो वार्ड पार्षद था उन लोग चुनते थे जाकर के, लेकिन अब हम लोग वोटिंग करेंगे कौन चेयरमैन बनेगा, कैसा रहेगा। अब विकास की उम्मीद हम लोग की जगी है। कैसा होना चाहिए चेयरमैन आपके हिसाब से? अच्छा होना चाहिए, शिक्षित हों, लोगों को कार्य करें, समाज में रहें, समाज के साथ रहें, सारे जाति को विकास करें। क्या नाम हुआ आपका? जयदीप कुमार। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, क्या कहेंगे आप, कैसा चेयरमैन होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए जी, जो शिक्षित हो जी, और देखभाल करें हम लोग को मतलब अच्छे तरीके से जी। यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पर समस्या यही है कि थोड़ा सा नाली उली और लाइट उठ की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। पहले लाइट नहीं लगा था क्या? नहीं, लाइट नहीं लगा था, मतलब वादा करके, मतलब यहाँ पे मतलब कुछ विकास होता नहीं है। अच्छा, तो आते हैं लोग कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है, अपना काम होता है चले जाते हैं यहाँ से, बस यही, और कुछ नहीं, यही समस्या है। खाली झारखंड के खाली रास्ता देखते हैं पर, जितना प्रत्याशी जीतने के बाद खाली झारखंड का रास्ता देखते हैं। क्या है झारखंड का रास्ता? वही है शराब, बिहार में नहीं मिल रहा था झारखंड से जाते हैं। अच्छा, ये गोपालपुर हो गया जी, आगे भवन टोली हो गया जी, और इसके बगल में एक गांव है जी, वो हो गया। कौन गांव है वो? टोला उद्दन बीघा जी। क्या है वो? मंजरौट टोला है, वो जा मंजरौट टोला है। अच्छा, मंजरौट टोला है। हाँ, तो 3 टोला इसमें आ जाता है। हाँ, किस तरह की जातीय समीकरण क्या है इस वार्ड को अगर देखें तो, कौन कौन जाति के लोग हैं? ज्यादा है, बड़ी है, लोहार है, बस यही 3 जाति है। मंजरौट है जी। कौन कौन जाति है? जादव है, बढ़ी है, लोहार है, चौधरी है। अच्छा, मंजरौट है, ठाकुर है, प्लस उधर उदन बीघा हम लोग का भी क्षेत्र आ गया है,
वहाँ मुस्लिम है हाँ। और ये नहीं, ये 10 नंबर में, ये 10 नंबर में है हाँ। सब इसी वाला में आए उधर भी वहाँ तक हाँ। अच्छा, वहाँ राजपूत भी आए हैं 15-20 घर, मतलब मिली जुली सब, मिली जुली है। कोई ऐसा नहीं है कि एक जाति का, ऐसा जाति नहीं है इसमें, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। अच्छा, जो बढ़िया नहीं है कि हाँ, कौन बनेगा हाँ, निश्चित अच्छा, नहीं है, कोई बन सकता है हाँ, लेकिन हम लोग के युवा नेता चाहिए नहीं, एक होता है कि उनमें प्रतिनिधि में दम नहीं है, लेकिन जाति की वजह से कोई भी बन जाते हैं हाँ, इसमें कोई राय नहीं, सब कोई जाति बन सकता है। राजनीतिक लोग लगाते हैं जाति वाति जी जी, राजनीति में वो जाति पाति वाला राजनीति मतभेद करते हैं, वो कहते हैं ज्यादा भाई बढ़िया ही लोहार, इधर डिवाइड करो, ये कहा था ज्यादा बैठा रे, इधर ज्यादा कह देगा उन्हें लोहार के, कह रहे लोहार आठा और इसमें डिवाइड कर दिया जाता है वोट को। एक दुकानदार हैं, ये लोकल गोपालपुर के ही हैं, किस तरह से जो परिसीमन हुआ है, जो चौहद्दी बनाई गई है हाँ। क्या है, किस तरह से है इसमें? बहुत भेदभाव की तरह से बनाया गया है, मतलब कि वो स्पष्टीकरण नहीं है जो जिस तरीका से बनाना चाहिए, एक कौ का दो फड़ कर दिया गया है, मतलब कि वो हम लोग के लिए बहुत मतलब कि नुकसानदायक साबित हो रहा है, मतलब कि आपसी एक ही गांव के दो फाव बना दिया गया है। अच्छा, इससे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बार वार्ड का बंटवारा सड़क से करते हैं कि सड़क के दाईं ओर बाईं ओर, ये गलत है ना, एक अच्छा, ही गांव में दो तरफ कर देना अच्छी नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए इसमें कुछ राजनीति भेदभाव नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें कुछ ऊपर का भेदभाव नजर आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई लोगों का मतलब की चाल है, गलत तरीका से इसका परिसमन किया गया है, इस पर सुधार होने की बहुत अति आवश्यक है, नहीं तो इस पर चुनाव का विरोध होगा। तो समय दिया गया है सुधार का, तो सुधार में आदमी लगा हुआ है, अगर नहीं होगा तो इसका विरोध होगा जी हाँ, इसका मतलब विरोध होगा, क्योंकि मतलब कि ये गलत तरीका से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। किस तरह से ये चौहद्दी बनाई गई? चौहद्दी जो है 9-10 11-12 ये गोपालपुर में है। कौन कौन टोला इसमें आया है? इसमें आ गया है उधन बिघा टोला और गोपालपुर। अच्छा, क्या लगता है आपको इससे क्या फ़ायदा होगा आप नगर परिषद में आने से? अरे हम लोग को क्या फ़ायदा होगा क्या बतावे हम लोग, शहरीकरण होगा होवे करेगा, समय से होवे करेगा। व्यूअर्स आप देख रहे थे, बातें सुन रहे थे कई लोगों से, ये वार्ड नंबर 10 है गोपालपुर का जो, और दूसरा जो 11 और 12 है, वहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि ये नगर परिषद बनने के बाद क्या स्थिति रहेगी।